साथियों स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक काफी ज्यादा बड़ी खबर है, वर्तमान की एक काफी ज्यादा बड़ी चर्चाएं हैं जो कि वर्तमान में सुर्खियों में है। साथ ही ये जो दौर है, इसी दौर में अगर आपके अस्थायीकरण को लेकर सरकार ने कुछ बयान दिया या फिर अस्थायीकरण को लेकर सरकार की कुछ प्रतिक्रियाएं आई, तब तो आप सभी का जो भविष्य है वो सुरक्षित है, अन्यथा आप एक तरह से डगर पर चल रहे हैं। जहां पर इसी को देखते हुए वर्तमान में एक बैठक आयोजित की जा रही है, बैठक कल है यानी कि 6 अगस्त को ये बैठक होने वाली है दारुलसफा में। अध्यक्षता इसकी करेंगे आप सभी के प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि शिव कुमार शुक्ला जी। इनकी अध्यक्षता में इस बैठक में कुछ आगामी रणनीतियों पर चर्चा होगी, जैसे कि इसका मेन एजेंडा यही होने वाला है कि आप सभी के लिए यानी कि जो रिसेंट में मानसून सत्र चलने वाला है विधानसभा के अंदर, 7 अगस्त से मानसून सत्र चलेगा। प्रयास ये रहेगा कि माननीय सभी विधायकों से मुलाकात की जाए, सभी विधायकगणों से मुलाकात करने के पश्चात में उन्हें अपनी जो मांगे हैं वो विस्तार पूर्वक समझाई जाए, जैसे कि क्या क्या आपकी मांगे हैं, मेन स्थायीकरण की मांग है, और ये प्रयास हो कि वो सभी विधायकगण आप सभी की जो मांगे हैं उन्हें विधानसभा के अंदर रखें, ताकि आपका ये प्रस्ताव के रूप में विधानसभा में प्रतिनिधियों के द्वारा, सरकार के ही प्रतिनिधियों के द्वारा पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि इसी मानसून सत्र में भी आपके लिए अच्छी खबर सरकार के द्वारा निकल कर आएगी। फिलहाल इसी को लेकर कल ये बैठक दारुलसफा के अंदर होने वाली है। फिलहाल कितने साथी ऐसे हैं जो कि इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, और क्या आप प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी हैं, अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, या फिर आप एक आम शिक्षा मित्र हैं, कमेंट में लिखकर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।